चलिए चलते हैं आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। न्यूयॉर्क कंपनी में कंज्यूमर ड्यूरेबल और होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। ये बहुत रीसेंट लिस्टिंग है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। आईएमडी ने, आपको याद होगा, इस साल गर्मी पड़ने का अनुमान जताया कि एक लंबा स्पेल होगा, उसमें काफ़ी गर्मी पड़ेगी और स्काईमेटिक है उसके बाद बारिश भी पड़ेगी। तो ये एक क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है, जिस साल बहुत गर्मी पड़ती है उस साल बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका फ़ायदा ऐसी कंपनियों को मिला है जो कूलिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, इस तरीके के, और इसमें डिमांड बहुत तेज़ी है। वोल्टास ने जो अपना बिजनेस अपडेट दिया उसमें उन्होंने केवल Q4 में, यानी जनवरी से मार्च के बीच में, 72% की ग्रोथ दिखाई और 20 लाख एसी बेचे उन्होंने पिछले एक साल में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ऐसी तमाम कंपनियों के लिए ये एक पैक ड्यूरेबल कंपनी काम करती है। तो कैसा डिमांड का सीजन बनेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, इसको बातचीत करेंगे। कंपनी के को फाउंडर और MD अजय सिंघानिया हमारे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और हमने देखा कि डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, गर्मी भी काफ़ी बढ़ रही है, IMD भी कह रहा है कि गर्मी बढ़ेगी। तो चूंकि आपका सीजन जनवरी से हम लोग मान लेते हैं शुरू हो जाता है, तो चौथी तिमाही से जो सीजन शुरू हुआ है वो आप कंटिन्यू करेंगे कुछ महीनों तक, कैसा जा रहा है सीजन अभी Q1 में? नीरज जी, देखिए, अभी जो रिसेंट में न्यूज़ आई है, तापमान बढ़ेगा, गर्मी लंबी होगी, ये तो डेफिनेटली मतलब ऐसे धंधे में है जहाँ पर हमारे लिए अच्छी अच्छी खबर होती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम पिछला एक साल देखें तो बहुत इरेटिक बिहेवियर है सीजन का। मतलब आजकल गर्मी कब हो रही है, कब बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून कंप्लीट वॉशआउट हो गया था। नॉर्थ में बहुत बारिश हुई, 2 दिन गर्मी, फिर 4 दिन बारिश, तो सीजन काफ़ी ख़राब गया था लास्ट ईयर। उसके बाद Q2, Q3 में थोड़ी सी रिकवरी हुई। Q3 में काफ़ी सारे ब्रांड्स ने अपनी इन्वेंट्री डंप कर दी बाजार में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो Q4 था, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कम हुई कंपेयर टू जो नॉर्मली होती है, क्योंकि ट्रेड में काफ़ी सारी इन्वेंट्री थी। अब जो पिछले 2 हफ्ते में हमने गर्मी ने जो जोर पकड़ा है, उसकी वजह से डेफिनेटली ट्रेड में इन्वेंट्री काफ़ी लिक्विडेट हुई है ब्रांड्स की, और कुछ ब्रांड्स ने तो बहुत अच्छे रिजल्ट भी डिक्लेयर करे हैं। तो उसके चलते अब जो आगे के 4 महीने दिख रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट अचानक बहुत बढ़ गई है। तो जो हम बोलते हैं कि Q4 का स्पिल ओवर डिमांड इस बार Q1 में आ गया है, तो Q1 डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल। और मतलब हम अगर अपनी ऑर्डर बुक या कैपेसिटी की बात करें तो वी आर ऑलमोस्ट टोटली फुल फॉर दिस नेक्स्ट 2 to 3 months। सो नेक्स्ट 2 to 3 months की अगर हम बात करें तो स्पिल ओवर डिमांड के कारण प्रीवियस क्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट स्पिल होकर इस क्वार्टर में ट्रांसफर हुई है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो 2023 की शुरुआत अच्छी नहीं गई, इसलिए कंपनियों ने अब जाकर पूरी डी स्टॉकिंग की, यानी अपना पुराना माल इन्वेंट्री का बेचा और फिर अब नई डिमांड जनरेट हो रही, इसलिए कह रहे हैं आपकी 2-3 महीने काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो क्या टारगेट लेके क्या चल रहे हैं, किस तरह की ग्रोथ आएगी, कितना ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट फुल है अगले 3-4 महीने, किस तरह का टारगेट लेके चल रहे हैं आप? मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ। 23 मार्केट साइज था लगभग 8.5 मिलियन का फाइनेंशियल 23। फाइनेंशियल 23-24 यानी पिछला साल अगर हम देखेंगे तो मार्केट लगभग 10 मिलियन के आसपास क्लोज हुआ है। और इस साल जो अभी चल रहा है इसमें उम्मीद है कि मार्केट 11.5 मिलियन पे क्लोज होगा, यानी कि हम 15% की ग्रोथ देख रहे हैं टोटल मार्केट में। तो पिछले साल भी लगभग 15% ग्रो हुआ है, इस साल 15% ग्रो होने की दोबारा से उम्मीद है, यानी कि लगातार 2 साल से मार्केट 15-15% ग्रो हो रहा है। लेकिन जो इरेटिक बिहेवियर है मार्केट का, वो जितना कंट्रोल में रहता है उतना जो सेल होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर एक क्वार्टर में, तो वो ज़्यादा हेल्प करता है रादर देन कि ईयर एंड पे हम कुछ एक फिगर अचीव कर ले फिर वो ट्रेड में इन्वेंट्री रह जाए, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस होती है। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चूंकि आप कह रहे हैं 15% 11.5 लाख शुरू ही कर रहे हैं आप, उससे बढ़ेगी आपकी, लेकिन हमने देखा कि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ इन्वेंट्री की डिस्टॉकिंग हुई है, तो इसका इम्पैक्ट कैसे न्यूट्रलाइज होगा, या आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, या कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, क्योंकि एसी मैन्युफैक्चरिंग 5 महीने होती है टेक्निकली, मतलब 80% ऑफ कंट्रीज एसी जो हम बनाते हैं वो 5 महीने में बना लेते हैं पूरा। तो ये 5 महीने होते हैं, 15 दिसंबर से 15 मई तक मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाती है। तो इस 5 महीने में जो भी कमोडिटीज है, अगर हम एसी में बात करें तो 4 कमोडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। ये 4 कमोडिटी अगर एक स्तर पर रहती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती, तो हमारी कॉस्ट तो उसमें डिसाइड हो चुकी होती है।
अब बाजार में जब बिकेगा तो उसकी कॉस्ट बाजार डिसाइड करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इन चार कमोडिटी पर डिपेंड करती है और इन 5 महीनों पर ही डिपेंड करती है। तो गत वर्ष में अगर हम देखें, अभी तक कमोडिटीज काफी स्टेबल थी पिछले 5 6 महीने से। थोड़ा बहुत चढ़ाव जो इंक्रीज हुआ है कमोडिटी में वो पिछले 1 2 हफ्ते में हुआ है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शायद ना ही पड़ेगा इंडस्ट्री के ऊपर। अजय जी, दो कमोडिटी आपने चार का नाम लिया ना, कॉपर, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और स्टील। इसमें स्टील और एल्युमिनियम के प्राइसेस तो स्टेबल हैं या बढ़े ही नहीं हैं, लेकिन कॉपर में तूफानी तेजी है और प्लास्टिक में भी, जो कि क्रूड डेरिवेटिव है, तो क्रूड में भी तेजी आ रही है। इसका इम्पैक्ट तो आएगा फिर आप लोगों के ऊपर। वर्किंग कैपिटल डेज जो साइकिल है वो FY23 में 22 में लगभग 120 दिन था, 23 में 90 डेज था, और 9 मंथ एंडेड 24 में यानी दिसंबर में हमने जो रिजल्ट दिए थे उसमें हमारा घट के 60 दिन पे आ गया था, 51 डेज था एक्चुअली। तो ये हर साल हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं और कंपनी का काफी फोकस है वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम इसको, हमारी कोशिश है कि हम इसको इसी लेवल पे मेंटेन करें जो जिस जो लेवल हमने अभी अचीव करा है। ओके, तो ये आपके लिए तो खैर आपने चूंकि इसको मैनेज किया किसी तरीके से, तो मैं ये मान के चलूँ कि जो कंपनियां हैं वो पैसे बना रही होंगी, चूंकि उनके ऊपर इम्पैक्ट कॉस्ट अब आएगी, और जो पिछला माल उन्होंने बेचा तो बढ़िया फायदा बनाया उन्होंने। अजय जी, नीरज जी, ऐसा नहीं, हमारा जो प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है बड़े कस्टमर्स के साथ वो पास थ्रू है, यानी कमोडिटी में कोई भी तेजी हो या कोई भी गिरावट होती है वो हम पास कर देते हैं उनको। तो नॉर्मली हमारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि पिछले महीने की कमोडिटी का इंक्रीज डिक्रीज अगले महीने पास ऑन हो जाता है, तो हम उस तरह से प्रोटेक्टेड, क्योंकि हम तो एक ओडी मैन्युफैक्चरर है, अल्टीमेटली ब्रांड ने एक प्राइस पे बाजार में माल देना है तो दे टेक द रिस्क। अच्छा, दिसंबर में आपने चूंकि एक नया प्रोडक्ट कूलर भी लॉन्च किया था, अब अलग अलग थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन उसका, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? तो नीरज जी, हम अभी तक हम एसी बना रहे थे जो 80% ऑफ हमारा टोटल रेवेन्यू है, और 20% रेवेन्यू हमारा स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज जो किचन अप्लायंसेज है, मिक्सी है, इंडक्शन कुकटॉप्स है, वाटर डिस्पेंसर, इनसे आता था। तो ये छोटे अप्लायंसेज के साथ अब हमने बड़े अप्लायंसेज में भी थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन करा है, और हमने जनवरी से एयर कूलर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है। एयर कूलर एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, खास करके जो इंडिया के एयर कूलर मार्केट है, जो ऑर्गेनाइज मार्केट है, वो लगभग 3500 4000 करोड़ का मार्केट है, और ये पूरा का पूरा ओईएम ओडीएम डिपेंडेंट है। जो 4 5 टॉप ब्रांड्स आज इंडिया में बिकते हैं इनमें से कोई भी इसको इनहाउस नहीं बनाता है, सारा का सारा आउटसोर्स होता है। तो साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो कूलर का मार्केट एसी के आउटसोर्स मार्केट के बराबर है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि एसी, मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 महीने की मैन्युफैक्चरिंग है, जबकि कूलर क्योंकि लो वैल्यू प्रोडक्ट है, एक एसी की तुलना में 1/3 उसकी कॉस्ट है, तो वो 10 महीने बनता है क्योंकि उसकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम है, पर सेट इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम है तो वो पूरे 10 महीने बनता है। तो यानी कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन बेटर हो जाता है अगर हम कूलर जैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हमने जनवरी से स्टार्ट कर दिया है एक बड़े कस्टमर के साथ, आगे हम और कस्टमर्स को जोड़ रहे हैं। साथ के साथ अब कंपनी और हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, वो है फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे सितंबर मिड से, हमारी सारी डेवलपमेंट वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, अब टेस्टिंग में चल रहा है और हम सितंबर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अजय जी, एक बड़ा एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि जो एसी का मार्केट है उसमें डिमांड तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और साइज़ भी आपने बताया कि 11.5 मिलियन से होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या अफोर्डेबिलिटी भी उसी के साथ साथ बढ़ी है? क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर हम कंपेयर करें चाइना या किसी और मार्केट से, तो इंडिया बहुत हाईली अनपेनिट्रेटेड है, उसमें है ही नहीं बहुत ज़्यादा गुंजाइश बढ़ने की। तो फिर या तो बहुत तेज बढ़ना चाहिए, ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो किस तरह की रफ्तार से है? मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ, आज से हम 30 साल पहले चलते हैं सर, से 1980 में, 1990 में रुपए अगेंस्ट डॉलर क्या था सर? 1 रुपया मतलब 1 डॉलर 15 रुपए था शायद, आज वो 80 रुपए के ऊपर है। क्रूड ऑयल शायद तब पेट्रोल 12 रुपए लीटर था, आज पेट्रोल 90 रुपए से ऊपर है। हर एक चीज में कितनी इंक्रीज, इन्फ्लेशन का कितना इंक्रीज आप देख रहे हैं। पर सर जो व्हाइट
वाइट गुड्स हैं, एसी तब भी 30 से 35 हज़ार का था और आज 30 40 साल में 35 हज़ार का ही है। तो क्या एसी की अफोर्डेबिलिटी पहले से इंप्रूव नहीं हुई है? अगर तभी भी 30 35 हज़ार का एसी था, आज भी 30 35 हज़ार का एसी के दाम में ये नहीं हुआ कि पेट्रोल 10 रुपए का 90 हो गया तो एसी 30 हज़ार के 2 लाख का हो गया, एसी आज भी 30 हज़ार का ही है। तो अफोर्डेबिलिटी इज डेफिनेटली देयर। और इसीलिए अगर हम देखते हैं इंडिया मार्केट आज से 10 साल पहले 1 मिलियन का 2 मिलियन का था, आज भी 8 मिलियन का है, साल में 10 मिलियन का हो गया, तो मार्केट 5-फोल्ड इंक्रीज हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, जो हमारी अफोर्डेबिलिटी है, लिविंग स्टैंडर्ड का इंक्रीज, ये जो पिछले 10 15 सालों में एक जबरदस्त इंक्रीज आया है, उसके कारण से एसी की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। पहले एक लग्जरी प्रोडक्ट था, आज ऑलमोस्ट एक नेसेसिटी बन गया है। तो इसका पेनिट्रेशन तो हर साल बढ़ेगा, और मतलब इंडस्ट्री ये उम्मीद कर रही है कि अगले 10 साल में शायद एसी का पेनिट्रेशन 30-35% हो जाएगा, जिस तरह से एक टीवी या रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन है, यानी कि मार्केट 25-30 मिलियन की हो जाएगी। प्राइसेस आप देखिए तो एक्चुअली एसी के प्राइसेस वो की वही हैं जो 30 साल पहले थे। ये इतना बात इनोवेशन इस मार्केट में हुआ है। जी अजय जी, ये बात आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, लेकिन ये कमोडिटाइज हुआ है थोड़ा और इस यील्ड का फायदा मिला जिसको बिजनेस टर्म्स में हम लोग कहते हैं। इसीलिए पहले अगर मान लीजिए 35 हज़ार का, तो आज भी 35 हज़ार का हो है, इसीलिए क्योंकि कमोडिटाइज हुआ, मास प्रोडक्शन का काम है। एक पॉइंट और समझाइए आप मुझे, इंडियन ब्रांड्स जो हैं या इंडियन कंपनीज जो हैं, वो अभी भी बहुत हद तक फॉरेन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़ी लैकिंग है और ज़्यादातर वही प्रोडक्ट यूज़ होते हैं जो या तो हायर बना रहे हैं या ग्ली बना रहा है या डाइकिन बना रहा है, और ये सब बहुत एक्सपेंड कर रहे हैं। नोएडा में बहुत बड़ी फैक्ट्री लग रही है हायर की, और श्री सिटी जहाँ आपकी, वहाँ पर भी कई सारी फैक्ट्रियों के हायर एक्सपेंशन चल रहे हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कॉम्पिटिशन है जो आप लोगों के सामने, न सिर्फ वॉल्यूम में बल्कि प्राइस और इन सब में भी मैटर करता है? देखिए कॉमोडिटीज जो है, एक एसी में मैंने आपको पहले बताया 4 कॉमोडिटी यूज होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील और प्लास्टिक। ये 4ों कॉमोडिटी इंटरनेशनली ट्रेडेड है, यानी कि इनकी प्राइस जो है ग्लोबली ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहती है। तो उस सेंस में आज हम इंडिया में एक ग्लोबल बेंचमार्क को टक्कर देने के बराबर हैं कॉस्ट के मामले में। स्पेशली जो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम लेके आई थी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाने के लिए, इन सब इनिशिएटिव से आज हमारा स्केल और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हमको चाइना के बराबर टक्कर पे खड़ा कर देती है। अभी भी अगर पहले मैं बोलता हूँ 20% का गैप था हमारे और चाइना के बीच में, तो आज वो गैप घट के 7% का रह गया है या 5% का रह गया है। तो हमने बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करा है पिछले 2 से 3 सालों में, एज एन इंडस्ट्री भी और इंडिविजुअली इपैक ने भी। तो अब हमारे और चाइना के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप नहीं रह गया है प्राइस में, आज हम काफी हद तक कंपेटेटिव है उनके साथ, तो वहां पर हमें कोई चैलेंज देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए ये पॉइंट आपका ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने फिर ग्रोइंग डिमांड 15-16% की CAGR से चल रहा है, तो कितना कैपेसिटी एडिशन किया है श्री सिटी में या कहीं और? हमने दिसंबर में अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है नीरज जी, तो वी हैव इंक्रीज हमारी कैपेसिटी बाय 50%। हमारे पहले 2 प्लांट थे, एक फैक्ट्री हमारी देहरादून में जिसकी कैपेसिटी 1.2 मिलियन की थी यानी 12 लाख की, एक भिवाड़ी में है उसकी कैपेसिटी 12 लाख की थी। दिसंबर में हमने एक तीसरी फैसिलिटी ऐड करी है आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में, उसकी कैपेसिटी भी 12 लाख है। तो अब हमने 50% कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी इस साल की तैयारी के लिए, टोटल हमारी कैपेसिटी अब हो गई है 3.6 मिलियन, 36 लाख की। अच्छा, एसी और कूलर को थोड़ा साइड में रखते छोड़ते, इसके अलावा भी आप कई सारे वाइट गुड्स में हाथ आजमा रहे हैं, उसके बारे में प्रोडक्ट लाइन क्या है और कैसे काम काज, कैसा रिस्पॉन्स है? सिर्फ व्हाइट गुड इंडस्ट्री तो पिछले अगर हम 5 से 6 सालों में देखें तो हर एक कैटेगरी बढ़ी है, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, एसी है, हर एक कैटेगरी लगभग मतलब एवरेज 10% से ऊपर ग्रो करती जा रही है पिछले 5 सालों में। और उसमें खास करके एक और मूवमेंट रहा है, वो है प्रीमियमाइजेशन का, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो आज एक ग्लोबल बेंचमार्क पे आ गया। हम 2000 डॉलर पर पर्सन का पर कैपिटा इनकम का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। तो हर एक प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और जो हाई लेवल प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। इसीलिए जैसे आज हम टीवी की बात करें तो पहले अगर हमारा स्टैंडर्ड एक नॉर्मल इंडिया में 32 इंच का टीवी था तो आज 42 इंच का हो गया है। एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा बिकती है तो आज फुल्ली ऑटोमेटिक बिक रही है। पहले एसी में फिक्स्ड स्पीड एसी बिकता था, अब वो इन्वर्टर एसी 90% ऑफ इंडिया मार्केट हो गया। तो इस तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ती जा रही है। तो हमें बड़ा केयरफुली सेलेक्ट करने की हम किस प्रोडक्ट में घुसें और फैसिलिटी कहाँ लगाएं। जैसे अब हम जो वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी उसको साउथ में लेके आ रहे हैं,
तो सारा आइडिया ये है कि मार्केट में जहाँ गैप है डिमांड सप्लाई का और जहाँ प्रोडक्ट की नीड है वहाँ उसकी कैपेसिटी क्रिएट की जाए, उस कैटेगरी में घुसा जाए। ओके, धीरे धीरे ये एक्सपेंड कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में या हीटिंग पैड में, इन सब में जाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये तो फिर बिजनेस और एनवायरनमेंट के आपने बताया। एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई आदमी ये समझना चाहे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी कंपनी का कि क्या ग्रोथ गाइडेंस आप लेके चल रहे हैं, वो बताइए। नीरज जी, हम अपने आप को 5 साल में जो देखते हैं, हम वी वांट टू फोकस एंड क्रिएट इपेक एज वन ऑफ द लीडिंग अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, जो कि प्रिफर्ड सप्लायर हो हर एक ब्रांड के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक इंडियन इंडियन ब्रांड्स हो या बाहर के ब्रांड्स हो। तो डेफिनेटली हम अगले 5 साल में अपने आप को एक्सपोर्ट में भी बड़े रूप में देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट में भी कुछ एक अच्छे लेवल पर स्तर पर पहुंच जाएंगे, और डोमेस्टिक में इसी के अलावा हम अपने 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 पाओं को फैलाना चाहते हैं बाकी के अप्लायंसेज में भी, ताकि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन दे सके पूरे साल का एक अपने कस्टमर को, जो कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांड्स जो एसी बनाती है वो बाकी के अप्लायंसेज भी करती है। तो हम चाहते हैं कि अपने कस्टमर को पूरी बास्केट पूरे साल का उनके साथ नाता जोड़ के रखें, ना कि सिर्फ 6 महीने का जहाँ पर हम एसी करते हैं उनके साथ। तो हम उनके पूरे साल के रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहते हैं। सो वी सी इन 5 ईयर्स ईपैक एज कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी अप्लायंसेज एंड मेंटेन रिलेशनशिप थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ईपैक ड्यूरेबल एक कंप्लीट वाइट गुड्स कंपनी बनना चाहती है, क्योंकि एसी काम तो सिर्फ 4-5 महीने चलता है, बाकी के 7 महीने में क्या होगा? तो कूलर एक हो सकता है जो पूरे साल बिक सकता है, हीटिंग टॉप हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, मिक्सी हो सकती है। तो ये सब ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये जाने की तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट कंपनी इस तरह बनने की कोशिश करेंगे। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। ई पैक ड्यूरेबल 192 रुपये में लगभग इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को सिग्निफिकेंटली कम कर लिया है। छोटा सा एक ब्रेक ब्रेक